हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डैश टेक क्रिएट के और एक नए वीडियो में। आज हम देखने वाले कि मैंने कैसे पाइथन से एक टिक टैक टो गेम बनाया। तो यह उसका कोड है। ऑलमोस्ट कितना लाइन्स? 132 लाइन्स, 133 लाइन्स का कोड है पूरा। तो इसमें सारे फंक्शंस यू टिक इंटर यूज किया हमने, टिक इंटर मॉड्यूल पाइथन का। और फिर हमने ये पूरा कोड लिख के फिर बनाया। पहले हम गेम खेल के देखते हैं। ये है बड़ा, स्टार्ट करेंगे अभी। प्लेयर एक्स, फिर ओ एक्स, एक्स जीत गया अभी। अभी हम ड्रॉ करेंगे। तो ये ऐसे गेम चलता है। थोड़ा एक्सप्लेन करते सोर्स कोड को, और इसका सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, इसकी लिंक। तो ये सब वेरिएबल है: गेम, फिर प्लेयर, बटन्स, थ्री बटन्स, रूट और लेबल, प्लेयर इन्फो आर वेरिएबल। तो फिर यहाँ से हमको ये फंक्शन प्लेयर को क्या, प्लेयर लेने के लिए कौन सा प्लेयर है। इफ गेम प्लेयर डबल इक्वल एक्स, रिटर्न ओ, नहीं तो फिर एक्स। ये बोर्ड डिस ये डिफाइन करने हैं, मतलब जानने के लिए कि बोर्ड डिसेबल है कि नहीं। तो हमने फॉर लूप चलाई 0 से 3 तक, फिर और एक चलाई इफ बटन आई जे स्टेट डिसेबल्ड। ये और ये बटन का जो स्टेट है, अगर डिसेबल्ड है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं तो रिटर्न ट्रू करेगा। फिर बोर्ड चेक, तो ग्लोबल प्लेयर, ये तो प्लेयर वाला था वो, इसमें हमने ग्लोबल ले लिए लिया। फिर हमने फिर से फोर, फिर कंडीशन 1, तो ये बटन आए, फिर इंटीजर है, तो ये ऐसा होगा टेक्स्ट इज इक्वल टू प्लेयर, ऊपर वाला प्लेयर ही इसके वजह से। ये दो, ये सब वही है। फिर कंडीशन और मैसेज बॉक्स शो करेगा कि कौन जीता है, और फिर वो बोर्ड को रीसेट कर देगा। टाइड, तो इस बोर्ड डिसेबल जो था, ये है जो फंक्शन बनाया था अपन ने, अगर वो होगा तो ये रिटर्न करेगा कि टाई हो गया मैच ऐसा। फिर बटन क्लिक, रो कॉलम, तो ये सब वही वेरिएबल्स लिए ऊपर से, फिर ये सब करके किया है पूरा। तो फिर ये जो ये मेन है, इसमें पूरा फ्रेम सेट किया है कि मतलब किधर प्लेस करना है वगैरह, यही है। तो फिर इसका पूरा सोर्स कोड होगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उधर से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो।